अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द क्रेजी डी। कहते यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह के दिखने वाले कैप्शन कैसे जनरेट कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल पर। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। यार अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं और हर हफ्ते इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप बस नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो आप टाइम पर देख पाएं। चलिए फिर वीडियो करवाते हैं। तो यार सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जब पहली दफ़ा आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर ये जो है वो गूगल का साइन इन मांगेगा, या तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से जो है वो गूगल से साइन इन कर लिया है। तो साइन इन करने के बाद यहाँ पर जो है वो कुछ इससे इंटरफेस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपने प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको होगा ऑटो कैप्शन के नाम से, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपकी परमिशन मांगेगा। आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपने उस वीडियो को इम्पोर्ट लेना जिस पर आपने जो है वो कैप्शंस लगाने हैं। एक दफा जब आप इसको इंपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर जो है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है जनरेट कैप्शंस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर जो है वो कैप्शंस आपके जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप कैप्शंस को काफी हद तक एडिट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कुछ गलतियां हैं इसके अंदर, तो वो भी आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इसकी कोई कस्टमाइजेशन वगैरह करनी है, टेम्पलेट्स है यहाँ पर बहुत ज्यादा, फॉन्ट चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, एनिमेशन हाईलाइट वगैरह किसको लगाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने वर्ड्स चेंज करने हैं, जैसे यहाँ पर जो है वो कुछ गलतियां थी तो मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ वर्ड्स चेंज किए हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर जो है वो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके का होगा। और अगर आपने छोटा करना है, बड़ा करना है, सिंपल आपने जो है पिंच इन और पिंच आउट कर देना है और ये साइज जो है उसका छोटा बड़ा होता रहेगा और उसको फिर आप जो ड्रैग करके ऊपर या तो नीचे रख लो अपनी मर्जी से। एक दफा जब आप कर लोगे ये सारी सेटिंग तो यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट का एक बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपको पूछेगा कि ओरिजिनल क्वालिटी के अंदर करना है या HD। यहाँ पर जो HD सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से जो है आपने कंटिन्यू एक्सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जो वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी ऐप है कैप्शन जनरेट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर आपको कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। सर अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का आइकन स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे आपने क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही साथ मेरा गेमिंग चैनल भी आ रहा होगा, उसको भी आपने क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। अल्लाह हाफिज़।